Hello, students. I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patil College, Bhandara, Maharashtra. Today we shall discuss one of the important characters, one of the important persons in the world who has influenced the entire industry of IT. इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के फील्ड को जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है अपने इनोवेशन से, ऐसे एक व्यक्ति के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे. एंड ही इज नन अदर देन स्टीव जॉब्स. इन द सीरीज ऑफ ग्रेट पर्सनालिटीज, टुडे वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टीव जॉब्स फॉर द IT इंडस्ट्री, फॉर द कंप्यूटर सेक्टर एज ए एंटरप्रेन्योर एंड एज अ टैलेंटेड बिजनेसमैन एंड इनोवेटर. And we will also try to understand a lot of turns and turbulence in his life and how he succeeded and achieved a great success which will inspire for generations to come. Steve Jobs, born in 1955 and departed from this world in 2011, was an American entrepreneur and an inventor best known as the co-founder and chairman and CEO of Apple इनकॉर्पोरेटेड. हम जिस महान व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं वो स्टीवन पॉल जॉब्स, एक अमेरिकन बिजनेसमैन है, इन्वेंटर भी है और एप्पल कंपनी के सीईओ के रूप में और चेयरमैन के रूप में दुनिया उन्हें जानती है, को फाउंडर ऑफ एप्पल इनकॉर्पोरेटेड. थ्रू एप्पल ही वॉज वाइडली रिकग्नाइज एज अ कॉस्मेटिक पायनियर ऑफ द पर्सनल computer revolution and for his influential career in the computer and consumer electronics field. Jis field ko abhi duniya ne zyada jana hi nahi tha, parkha hi nahi tha. Aise field mein aana aur apne aap ko sabit karna ye koi aasan kaam nahi tha. Par phir bhi Apple company ke madhyam se unhone is field ko apne aakarshak vyaktimatva se duniya ke sabse ooche maqam par pahunchane ka kaam kiya hai. कंप्यूटर और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में आज भी वो बेताज बादशाह के रूप में माने जाते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग वन इंडस्ट्री आफ्टर अनदर. सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं, एक के बाद और ऐसे नए नए आयाम उन्होंने अपने लिए निर्माण किए. एंड फ्रॉम कंप्यूटर्स टू स्मार्टफोन्स टू म्यूजिक एंड मूवीज, न जाने क्या क्या कई क्षेत्रों को बहुत कम उम्र में उन्होंने हासिल करने की कोशिश की. Steve Jobs also co-founded and served as a chief executive of Pixar Animation Studios. Sirf Apple company ko sthapit karke wahin par Steve Jobs nahi rukte balki Pixar Animation Studios ki sthapna bhi unhone ki. Paate hai kuch gulab chattanon mein bhi parvarish. Paate hai kuch gulab chattanon mein bhi parvarish aur pattharon se bhi aati hai khushbu kabhi kabhi. ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व का नाम है स्टीव जॉब्स. पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो को स्थापित करने के बाद में ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ वॉल्ट डिज्नी कंपनी इन 2006. स्मार्टफोन से लेकर पिक्सर कंपनी से लेकर वॉल्ट डिज्नी तक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स बनने तक का सफर 2006 तक स्टीव जॉब्स तय कर चुके थे. When Disney acquired Pixar, बाद में Walt Disney ने Pixar को खरीद लिया. Steve was adopted by Claire and Paul Jobs. Actually, Steve Jobs को adopt किया गया था Claire और Paul Jobs के द्वारा. The Jobs family moved from San Francisco to Mountain View, California when Steve was 5 years old. सिर्फ 5 साल के थे Steve जब Claire और Paul Jobs California आ गए थे. और द पेरेंट्स लेटर एडॉप्टेड अ डॉटर पैटी. बाद में उन्होंने एक बेटी को भी दत्तक लिया क्लेयर और पॉल ने, जिसका नाम था पैटी. पॉल वर्कड एज ए मैकेनिक एंड कारपेंटर. एक मैकेनिक और कारपेंटर के बतौर पॉल काम करते थे एंड टॉट हिज सन रेडिमेंट्री इलेक्ट्रॉनिक्स. और अपने बेटे को स्टीव को उन्होंने एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स उसी समय सिखाना शुरू कर दिया एंड हाउ टू वर्क विद इन विद हिज हैंड्स. अपने हाथों से काम कैसे करना, बहुत सारे लोगों को काम करना ही नहीं आता. स्टीव के पिता ने काम करने का हुनर ही नहीं, सम्मान के साथ काम कैसे किया जाता है
ये भी उनको सिखाया, डेमोन्स्ट्रेटिंग टू हिज सन हाउ टू टेक अपार्ट एंड रिबिल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स सच एज रेडियोस एंड टेलीविजन। चीजों को जोड़ना, फिर से उनको अलग करना, ये एक नई पद्धति उनको शिक्षा की पिता ने ही घर से विरासत में दी है। रिबिल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एज रेडियोस एंड टेलीविजन, सेट अपार्ट लोगों चीजों को अलग करना, फिर से जोड़ना, ये बचपन से ही एक जिज्ञासा बोलिए, क्यूरियोसिटी बोलिए, पिता ने उनके अंदर डाल दी थी। एज अ रिजल्ट स्टू बिकेम इंटरेस्टेड इन इन एंड डेवलप्ड अ हॉबी ऑफ टेक्निकल टिंकरिंग। क्लारा वाज एन अकाउंटेंट, शी टॉट हिम टू रीड बिफोर ही वेंट टू स्कूल। परिणाम ये हुआ कि पिता ने जब टेलीविजन जैसे रेडियो जैसे वस्तुओं को जोड़ने और खोलने का काम सिखा दिया था, तो एक रिपेयरिंग की आदत जिसको टिंकरिंग कहा गया है वो स्टीव में ऑटोमेटिक डेवलप होती गई और ये हॉबी बन गई फिर उनके लिए। जो स्टूडेंट्स इस लेसन को, इस चैप्टर को सुन रहे हैं, वो सारी परिस्थितियों को बेहतर जानते हैं। भारत में तकरीबन ये माहौल रहता है परिवारों में कि माँ बाप चीज़ों को खोलने नहीं देते, जोड़ने नहीं देते और बच्चों को हमेशा डांटते रहते हैं। हमने पॉल और क्लेयर से सीखना चाहिए कि बच्चों को कैसे प्रेरित किया जाए बहुत सारी चीजों को हॉबी में बदलने के लिए। क्लेयर जॉब्स हैड बीन अ पेरोल क्लर्क फॉर वेरियस एसोसिएट्स। क्लेयर जो थी, क्लेयर जॉब्स, वो पेरोल क्लर्क के रूप में काम करती थी। पेरोल क्लर्क जो है इज अ मेंबर ऑफ द पेरोल डिपार्टमेंट हु फोकसेस ऑन एक्टिविटीज दैट हेल्प टू ऑर्गेनाइज डेटा रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग कंपनसेशन टू द कंपनीज एम्प्लॉयज। ये पेरोल अलग डिपार्टमेंट है कंपनीज में, जहाँ पर कंपनसेशन देने के लिए जो भी डिपार्टमेंट देखभाल करता है डेटा की कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए, वहाँ पर क्लर्क काम करती थी। एंड क्लर्क फॉर वेरियस एसोसिएट्स, वन ऑफ द फर्स्ट हाईटेक फर्म्स इन व्हाट बिकेम नोन एज अ सिलिकॉन वैली। ये वही डिपार्टमेंट था, ये वही एसोसिएट था जो आगे चलकर बहुत हाईटेक फर्म था और बाद में चलकर यही अमेरिका में सिलिकॉन वैली बन गया। तो पिता और माँ दोनों ही अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए थे और दोनों ने अपने क्षेत्र के अनुभवों को स्टीव में डालने की कोशिश की। जॉब्स यूथ वॉज रिडल्ड विथ फ्रस्ट्रेशन। जवानी में जैसे ही पदार्पण करते हैं तो ये बहुत कन्फ्यूजन भरा उम्र, जिसको फ्लैपर कह सकते हैं, इसे कन्फ्यूजन से भरी हुई अलग से जिंदगी में स्टीव ने अपने युवा अवस्था में प्रवेश किया। एंड ही विटनेस दैट देयर आर सो मेनी ऑब्स्टेकल्स इन हिज लाइफ ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग। अपनी फॉर्मल स्कूलिंग में बहुत सारी बाधाएं हैं, इसका अंदाजा उनको आ गया था। एट मोंटेलोमा एलिमेंट्री स्कूल इन माउंटेन व्यू ही फ्रिक्वेंटली प्लेड प्रैंक्स ऑन अदर्स। जब पहली बार मोंटेलोमा एलिमेंट्री स्कूल में उन्होंने दाखिला लिया, तो यहाँ पर अनुभव ऐसा आया कि स्टीव जॉब्स को आदत सी पड़ गई थी बहुत सारी नटोरियस चीजें करने की, मिसचीफ्स करने की, जिसको प्रैंक्स कहते हैं, और अदर्स, दूसरों को मजाक उड़ाना, उनके साथ छेड़खानी करना, इस प्रकार के बचपने की बहुत सारी हरकतें उनमें आ गई थी। दो स्कूल ऑफिशियल्स रिकमेंडेड दैट ही स्किप टू ग्रेड्स ऑन अकाउंट ऑफ हिज टेस्ट स्कोर्स। हिज पेरेंट्स सिलेक्टेड फॉर हिम ओनली टू स्किप वन ग्रेड। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस प्रकार की स्टीव की हरकतें देखकर दो ग्रेड छोड़ने का सजेशन दिया टेस्ट स्कोर को देखकर, पर पिता ने, पेरेंट्स ने, क्लेयर और पॉल ने सिर्फ एक ही ग्रेड स्किप करने का निर्णय लिया। जॉब्स देन अटेंडेड क्यूपर्टिनो जूनियर हाई स्कूल एंड होमस्टेड हाई स्कूल इन क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया। यहाँ से शिक्षा खत्म करने के बाद में, मोंटेलोमा एलिमेंट्री स्कूल के बाद में, फिर उन्होंने क्यूपर्टिनो कैलिफोर्निया स्कूल ज्वाइन किया और फिर जॉब बिकेम फ्रेंड्स विद बिल फर्नांडिस, अ नेबर हु शेयर्ड द सेम इंटरेस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स। बाद में स्टीव की दोस्ती होगी बिल फर्नांडिस से, जो उनके पड़ोसी थे और उनको इलेक्ट्रॉनिक्स में ही इंटरेस्ट था। एंड फर्नांडिस इंट्रोड्यूस जॉब्स टू अनदर ओल्डर कंप्यूटर विस्किड। और यहीं पर जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट स्टीव के लाइफ में आता है। बिल फर्नांडिस ने उनके एक दोस्त से मुलाकात कर दी, जो करा दी, जो ओल्ड कंप्यूटर विस्किड के नाम से बिल्कुल एक्सपर्ट थे इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक जैसे चीजों में, या किसी क्षेत्र में जो एक्सपर्ट्स होते हैं, बहुत तल्लक बुद्धि के जो बच्चे होते हैं, उनको विस्किड कहा जाता है।
स्टीव वोज्नविक उनका नाम था, एंड स्टीव वोज्नविक की मुलाकात, फिर स्टीव उनको ओस के नाम से बुलाते थे, और इन्हीं व्यक्ति से मुलाकात फिर जिंदगी के नए आयामों को और बढ़ाने का काम की, और ये व्यक्ति स्टीव के साथ मिलकर बहुत उच्च मुकाम को फिर भविष्य में हासिल करते हैं। फॉलोइंग हाई स्कूल ग्रेजुएशन इन 1972, जॉब्स एनरोल्ड एट रीड कॉलेज इन पोर्टलैंड। फिर हाई स्कूल के बाद में ग्रेजुएशन के लिए 1972 में स्टीव ने अपने आप को रीड कॉलेज इन पोर्टलैंड में एनरोल किया ओरेगॉन में, एंड रीड वॉज एन एक्सपेंसिव कॉलेज विच पॉल एंड क्लेयर कुड हार्डली अफोर्ड, पर ये बहुत महंगा कॉलेज था, दोनों मिलकर प्लॉर और क्लारा भी इसके लिए खर्चा नहीं कर सकते थे, एंड दे वर स्पेंडिंग मच ऑफ देयर लाइफ सेविंग्स ऑन देयर सन्स हायर एजुकेशन। अपनी बच्चे की पढ़ाई के लिए अपना बहुत सारा इनकम का सोर्स माता पिता दोनों खर्चा करने लगे, एंड जॉब्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ द कॉलेज आफ्टर 6 मंथ्स। नतीजा ये हुआ कि स्टीव जॉब ने ड्रॉप आउट हो गए इस कॉलेज से, एंड आफ्टर 6 मंथ एंड स्पेंड द नेक्स्ट 18 मंथ्स ड्रॉपिंग इन ऑन वन क्रिएटिव क्लासेस। फिर कॉलेज से तो ड्रॉप आउट हो गए, बिल गेट हो या स्टीव जॉब्स हो, ये जो बड़े बड़े नाम हम सुनते, ये अपने अपने कॉलेज के ड्रॉप आउट स्टूडेंट रहे हैं जिन्होंने बाद में इतिहास रचा है। एंड 6 मंथ एंड स्पेंड द नेक्स्ट 18 मंथ्स ड्रॉपिंग इन क्रिएटिव क्लासेस। फिर ड्रॉप आउट होने के बाद में भी उन्होंने फिर क्रिएटिव क्लासेस ज्वाइन कर ली, इंक्लूडिंग ए कोर्स ऑन कैलीग्राफी। और ये ड्रॉप आउट क्लास जो उन्होंने ज्वाइन किया था कैलीग्राफी का, ये बहुत अहम इम्पोर्टेंट साबित हुआ उनके जिंदगी में। आगे चलकर कैलीग्राफी का ये कोर्स उनको किस प्रकार से मदद करता है, इस बात को भी हम जानेंगे। एक कंटिन्यूड ऑडिटिंग क्लास, हमारे इधर इस प्रकार के क्लासेस का चलन नहीं है, पर अमेरिका में इस प्रकार के ऑडिटिंग क्लास होते हैं। ऑडिटिंग कॉलेज जो होते हैं ये कोर्सेस चलाते हैं। व्हेन अ स्टूडेंट रेगुलरली अटेंड्स अ क्लास विदाउट रिसीविंग अ ग्रेड और क्रेडिट फॉर इट, रेगुलर क्लासेस करते हैं ड्रॉप आउट स्टूडेंट इस प्रकार के, पर यहाँ इनको किसी भी प्रकार का ग्रेड या क्रेडिट नहीं मिलता। तो स्टीव जॉब ने जब पहचान लिया कि पढ़ाई में उनकी ज्यादा प्रगति नहीं है, वो ड्रॉप आउट हो गए थे, तो फिर उन्होंने इस प्रकार की ऑडिटिंग क्लास लगा ली थी। एट रीड व्हाइल स्लीपिंग ऑन द फ्लोर इन द फ्रेंड्स डॉर्म रूम्स, रिटर्निंग कोक बॉटल्स फॉर फूड मनी एंड गेटिंग वीकली फ्री मील्स एट द लोकल हरे कृष्णा टेम्पल। ये उनके जिंदगी का बहुत टफ दौर था, इसमें दोस्तों के रूम पर रुकना, वहीं पर उनके डॉर्म रूम्स में बहुत लार्ज रूम्स होते थे हॉस्टल्स में, जहाँ कई बच्चे सिंगल बेड पर रहते थे, नीचे फर्श पर लेटना, कोक की बॉटल्स पैसे के लिए देना, और गेटिंग वीकली फ्री मील्स, फिर इसके बदले में खाना मुफ्त में हासिल करना जो हरे कृष्णा टेम्पल था वहां से, एंड जॉब लेटर सेड इफ आई हैड नेवर ड्रॉप्ड इन ऑन दैट सिंगल कैलीग्राफी कोर्स इन कॉलेज द मैक वुड हैव नेवर हैड मल्टीपल टाइप फेसेस और प्रोपोर्शनली स्पेस्ड फॉन्ट्स। स्टीव जॉब्स इस बात को बहुत हम्बल तरीके से एक्सप्रेस भी करते हैं, पर एक बात इंपॉर्टेंटली वो यहाँ पर मेंशन करते हैं कि एज ए ड्रॉप आउट स्टूडेंट उन्होंने अगर कैलीग्राफी का कोर्स नहीं किया होता, आई हैड नेवर हैड ड्रॉप्ड इन द ऑन दैट सिंगल कैलीग्राफी कोर्स इन कॉलेज द मैक। मैक जो ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क सब लेयर दैट कंट्रोल्स ट्रांसमिशन हार्डवेयर है जो मैक, ये वुड हैव नेवर बीन मल्टीपल टाइप फेसेस। ये मैक जो उन्होंने बनाया बाद में, ये कभी भी प्रोपोर्शनली स्पेस फॉन्ट्स के लिए टाइप फेसेस नहीं बन पाता था। तो ये फायदा हुआ कैलीग्राफी का कि वो सारा हुनर फिर उस कंप्यूटर की लैंग्वेज में डाल पाए। इन द एंटायरली 1970s, 1970 का एक दशक था जॉब्स एंड वोज़्नविक वेयर ड्रॉन टू टेक्नोलॉजी लाइक अ मैग्नेट। फिर वोज़्नविक और स्टीव जॉब्स एक मैग्नेट टेक्नोलॉजी की तरफ खींचे चले गए, एंड वोज़्नविक हैड डिजाइन ए लो कॉस्ट डिजिटल ब्लू बॉक्स, एक लो कॉस्ट डिजिटल ब्लू बॉक्स की निर्मिति बाद में वोज़्नविक ने की, ब्लू बॉक्स टू जनरेट द नेसेसरी टोन्स टू मैनिपुलेट द टेलीफोन नेटवर्क। टेलीफोन नेटवर्क को मैनिपुलेट करने के लिए नेसेसरी टोन्स के लिए जो एक बॉक्स इस्तेमाल होता है, इसका मकसद ही होता है अलाउइंग फ्री एंड लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स, दूर के कॉल्स को
अवेलेबल कराना, अलाउ करना, ये ब्लू बॉक्स यही काम करता है। जॉब्स डिसाइडेड दैट दे कुड मेक मनी सेलिंग इट। और स्टीव जॉब्स ने जब वॉजनोविक के साथ इस प्रकार का ब्लू बॉक्स बना लिया, उन्होंने इस बात को रियलाइज कर लिया था कि हम इसे बेचकर पैसे कमा सकते हैं। एंड द क्लैंडेस्टाइन, ये जो सीक्रेट था सेल्स फॉर द इलीगल ब्लू बॉक्स फेंट वेल, न जाने कौन सा रहस्य था, पर इसको बेचने के बाद में उनको बहुत सारा पैसा भी हासिल हुआ। एंड पर हैज प्लांटेड द सीड इन जॉब्स माइंड दैट इलेक्ट्रॉनिक्स कुड बी फन एंड प्रॉफिटेबल। और ये ब्लू बॉक्स बनाने के बाद में ही उन्होंने रियलाइज कर लिया था कि ब्लू बॉक्स के बनने से और बेचने से इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में फन भी हो सकता है, इंटरेस्ट भी आ सकता है, प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है। जो स्टूडेंट इस चैप्टर को सुन रहे हैं वो इस बात को भी समझ ले कि अपनी पढ़ाई को जब तक आप फन के तौर पर, इंटरेस्ट के तौर पर नहीं लेंगे, आपके कामयाबी के रास्ते खुलेंगे नहीं। जॉब्स बिगैन अटेंडिंग मीटिंग ऑफ द होम ब्रू कंप्यूटर क्लब। और इसके बाद में फिर उन्होंने होम ब्रू कंप्यूटर क्लब में वॉजनोविक के साथ में 1975 तक अलग अलग मीटिंग्स अटेंड करना शुरू कर दिया था। ही ग्रेटली एडमायर्ड एडविन एच लैंड, और उन्होंने एडविन लैंड की बहुत तारीफ की। ये यही व्यक्ति थे जिन्होंने इन्वेंट किया था इंस्टेंट फोटोग्राफी को एंड फाउंडर ऑफ द पोलराइड कॉरपोरेशन। पोलराइड कॉरपोरेशन की स्थापना करने वाले ये वही एडविन एच लैंड थे जिन्होंने इंस्टेंट फोटोग्राफी को ढूंढ कर निकाला था एंड वुड एक्सप्लिकेटली मॉडल हिज ओन करियर आफ्टर दैट लैंड्स, और कॉपी किया फिर उन्होंने उनके करियर को उनके जैसे ही बनने की कोशिश की। और बहुत बेहतर तरीके से स्टीव जॉब ने इस प्रेरणा को आगे बढ़ाया। इन 1976 जॉब्स एंड वॉजनोविक फॉर्म देयर ओन बिजनेस। 1976 का ये दशक इंपॉर्टेंट रहता है। इसी साल उन्होंने अपने खुद के बिजनेस की स्थापना की, विच दे नेम्ड एप्पल कंप्यूटर कंपनी। इन दोनों ने मिलकर इस कंपनी को फिर एप्पल कंप्यूटर कंपनी का नाम दे दिया। इन रिमेम्बरेंस ऑफ द हैप्पी समर जॉब्स हैड स्पेंट पिकिंग द एप्पल्स। ये स्टीव जॉब्स बचपने में समर के सीजन में पेड़ के नीचे जाकर जैसे एप्पल इकट्ठा करते थे, वो बहुत सुखद यादें उनके साथ थी। इसी से प्रेरणा लेकर उन्होंने अपनी कंपनी को एप्पल कंप्यूटर का नाम दे दिया। एट फर्स्ट दे स्टार्टेड ऑफ सेलिंग सर्किट बोर्ड्स। ये पहला दौर था जब एप्पल कंपनी की स्थापना हुई और इस प्रकार के सर्किट बोर्ड्स बनाए जाने लगे और इनको बनाकर सेल करने का काम इन्होंने किया। इन द लेट 1970s शने शने धीरे धीरे उनकी जिंदगी की रफ्तार बढ़ती गई। 1970 का जो दशक था, एप्पल्स को फाउंडर स्टीव वॉजनोविक इंजीनियर वन ऑफ द फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल लाइंस ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स द एप्पल टू सीरीज। और ये पहला दौर था जब एप्पल ने सक्सेसफुली पर्सनल कंप्यूटर की निर्मिति की। जॉब्स वाज अमंग द फर्स्ट टू सी द कमर्शियल पोटेंशियल ऑफ ज़ेरॉक्स पार्क्स माउस ड्रिवन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और ये पहला दौर था जब स्टीव जॉब्स ने सक्सेसफुली ज़ेरॉक्स पार्क्स जो माउस ड्रिवन ग्राफिकल यूजर था, इंटरफेस था, उसको निर्माण करने का काम किया, विच लेड टू द क्रिएशन ऑफ द एप्पल लीजा। और यही वजह थी कि बाद में वो सक्सेसफुली कामयाबी से एप्पल लीजा का निर्माण कर पाए। एंड वन ईयर लेटर इसके बाद में उन्होंने फिर एक मैकिंटॉश कंप्यूटर को जन्म दिया एंड ही आल्सो प्लेड द रोल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेजर राइटर। और फिर मैकिंटॉश के बाद में इजाद हुआ दुनिया के पहले लेजर राइटर प्रिंटर का। और जिस 1010-1020 लेजर प्रिंटर की हम बात करते हैं, ये पहला मॉडल था लेजर राइटिंग के क्षेत्र में एंड वाइडली अवेलेबल लेजर प्रिंटर्स टू द मार्केट। और बाद में इस प्रकार के लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर्स के बाद में ये लेजर प्रिंटर दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए, श्रेय जाता है स्टीव जॉब्स को। आफ्टर ए पावर ऑफ स्ट्रगल, एक पावर स्ट्रगल फिर शुरू हुआ विद द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स इन 1985। 1985 के आते आते एप्पल की कंपनी में फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सत्ता संतुलन के लिए विवाद होने लगे एंड जॉब्स लेफ्ट एप्पल। और फिर 1985 में जॉब्स स्टीव जॉब ने एप्पल कंपनी को छोड़ दिया एंड फाउंडेड नेक्स्ट।
और अपनी एक खुद की कंपनी नेक्स्ट कंपनी, अ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट कंपनी स्पेशलाइजिंग इन द हायर एजुकेशन एंड बिजनेस मार्केट। बिजनेस मार्केट में हायर एजुकेशन के फील्ड में काम करने वाले एक नए कंपनी का निर्माण स्टीव जॉब्स ने आकर दिया। अपने बलबूते पर वोजनविक के साथ मिलकर जिस एप्पल कंपनी को स्टीव ने स्थापित किया था, उनको विवाद के चलते छोड़ना पड़ा। इन इस स्पीच जॉब्स गेव स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 2005, 2005 में स्टीव ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो स्पीच दिया था, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट शब्द वो कहते हैं। सेड बीइंग फायर्ड फ्रॉम एप्पल वाज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड टू हिम। जब एप्पल कंपनी से उनको निकाल दिया गया, ही वाज फायर्ड फ्रॉम एप्पल कंपनी, वो कहते हैं कि ये उनकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन मौका था। सुनकर ताज्जुब लगता है, कोई आदमी जब नौकरी गंवा कर बैठता है, इतनी बड़ी कंपनी से बाहर निकलता है, तो ये चीज उसके लिए अच्छी कैसे हो सकती है। हम भी कहते हैं बहुत बार कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, पर इतनी बड़ी नौकरी को, इतने बड़ी जिम्मेदारी को गंवाने के बाद में, कंपनी हाथ से जाने के बाद में, स्टीव जॉब्स ने इसको पॉजिटिवली लिया। द हैवीनेस, वो कहते हैं, द हैवीनेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल वाज रिप्लेस्ड बाय द लाइटनेस ऑफ बीइंग बिगिनर अगेन। कामयाबी को एप्पल कंपनी के माध्यम से हासिल करने का जो बोझ था, वो बोझ मेरे सर से उतर गया था, और फिर उसको नई उम्मीदों के, नई अपेक्षाओं के एक नए खालीपन ने फिर से भर दिया था। फिर से नया कुछ सीखने के लिए मैं तैयार था। लेट्स श्योर अबाउट एवरीथिंग। जब भी ऐसा बुरा समय जिंदगी में आए, तो डरने की जरूरत नहीं। कभी न कहो कि दिन अपने खराब है, कभी न कहो कि दिन अपने खराब है। मान लो कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब है, रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो स्टीव जॉब की ये जिंदगी का खुद का फलसफा, ये उदाहरण हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि ऐसी घटनाओं से भी हमें डरना नहीं चाहिए। वो इस नई शुरुआत को भी पॉजिटिवली लेते हैं। इट फ्रीड मी टू एंटर वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पीरियड ऑफ माय लाइफ। और अपनी जिंदगी के सबसे क्रिएटिव फील्ड में एंटर करने के लिए स्टीव जॉब को परिस्थितियों ने बाध्य कर दिया। जो दूसरों के साथ मिलकर एप्पल कंपनी बना सकते हैं, तो खुद के भरोसे और कुछ बना सकते हैं। ये मादा, ये जिगरा उनके पास अभी भी कायम है। एंड आई एम प्रेटी श्योर नन ऑफ दिस वुड हैव हैपेंड इफ आई हैडंट बीन फायर्ड फ्रॉम एप्पल। अपने बाद की कामयाबी को गिनाकर स्टीव जॉब्स ये कहते हैं कि अगर मैं एप्पल से नहीं निकाला गया होता, तो शायद जिंदगी में मैंने जो कुछ हासिल किया वो नहीं होता। इट वॉज ऑफल टेस्टिंग मेडिसिन, बहुत कड़वी दवा थी, पर इस दवा ने मेरी परीक्षा ली। ऐसा फल खाया मैंने, फ्रूट आई गेट्स द पेशेंट नीडेड इन। ऐसे ही शायद फलों की मेडिसिन की पेशेंट को जरूरत रहती है। आफ्टर लिविंग एप्पल लो फाउंडेड नेक्स्ट कंप्यूटर, स्टीव जॉब ने फिर नेक्स्ट कंप्यूटर की स्थापना की। एंड विथ 7 मिलियन लाइक द एप्पल लीजा, और फिर 7 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट भी इसमें किया। और एप्पल लीजा के साथ साथ द नेक्स्ट वर्कस्टेशन एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस, बट वॉज लार्जली डिसमिस एट प्रोहिबिटिंग एक्सपेंसिव। एप्पल लीजा की स्थापना तो उन्होंने की, पर ये बहुत कॉस्टली और एक्सपेंसिव होने के कारण फिर हायर एजुकेशन क्षेत्र ने इसको नकार दिया। बाय द एजुकेशनल सेक्टर फॉर विच इट वाज डिजाइन, द नेक्स्ट वर्क स्टेशन वाज नोन फॉर इट्स टेक्निकल स्ट्रेंथ। अपनी ताकत के लिए तो ये जाना जाता था, पर महंगा बहुत होने के कारण इसको हायर एजुकेशन क्षेत्र ने नकार दिया। चीफ अमंग देम द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिस्टम जस्ट मार्केटेड नेक्स्ट प्रोडक्ट्स टू द फाइनेंशियल, साइंटिफिक एंड एकेडमिक कम्युनिटी, हाईलाइटिंग इट्स इनोवेटिव एक्सपेरिमेंटल न्यू टेक्नोलॉजीज। अपनी हाई लेवल की बहुत ही ऑथेंटिक टेक्नोलॉजी को स्टीव जॉब्स मार्केटिंग तो कर रहे थे, पर सच एज द मैक कर्नल, द डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर चिप एंड बिल्ट इन इथरनेट पोर्ट, टीम वर्नसली इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब ऑन द नेक्स्ट कंप्यूटर एट सीईआरएन। यही दौर था जब एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम का जन्म हो चुका था, और कंप्यूटर में टीम बर्नर्स ली जो है, उन्होंने WWW ये तीन शब्द दुनिया को दिए। वर्ल्ड वाइड वेब का निर्माण इन्वेंशन हो गया था नेक्स्ट कंप्यूटर में, CERN।
जो CERN है, ये काउंसिल यूरोपियन पावरला रिसर्च के नाम से न्यूक्लियर के लिए ये लैब जानी जाती है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड सेंटर्स फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ये CERN जो है न्यूक्लियर रिसर्च के लिए सबसे बड़ी लैब के रूप में जानी जाती है, एंड फाउंडेड इन 1954, 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। एंड द CERN लेबोरेटरी साइट्स एस्ट्राइड द फ्रेंको स्विस बॉर्डर नियर जेनेवा, यहाँ पर स्थित है। तो टिम बर्नर्स-ली के इस इन्वेंशन ने अब नई भाषा को, नए आयाम को जन्म दे दिया था। पर आते आते 1986 का दशक आ चुका था, एंड इन 1986 ही एक्वायर्ड द कंप्यूटर ग्राफिक्स डिवीजन लुकास फिल्म व्हिच वाज फर्म ऑफ एस्पेक्ट्स, और फिर 1986 में अपने क्षेत्र को और वो एक्सपैंड करते गए और ग्राफिक डिवीजन, कंप्यूटर ग्राफिक्स डिवीजन में लुकास फिल्म को उन्होंने एक्वायर किया, जिसका बाद में विस्तार पिक्सार के रूप में हुआ। He was credited the Toy Story in 1995 as the executive producer, और फिर Toy Story के executive producer के रूप में उनको क्रेडिट दिया गया, and he served as the CEO and majority shareholder until Disney's purchase the Pixar in 2006, और फिर 2006 तक उन्होंने पिक्सर के CEO के रूप में काम किया, जब पिक्सर को वॉल्ट डिज्ने ने 2006 में फिर परचेस कर लिया। इन 1996 आफ्टर एप्पल हैड फेल्ड टू डिलीवर इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम कोपलैंड, जो कोपलैंड प्रोजेक्ट था वाज एफर्ट बाय एप्पल कंप्यूटर टू क्रिएट अपडेटेड वर्जन ऑफ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम बिगिन इन अर्नेस्ट इन 1994 एंड नेम्ड आफ्टर अमेरिकन कंपोजर एरन कोपलैंड, इट वाज अबेंडन इन ऑगस्ट 1996। शुरुआत तो की थी 1994 में कि एक कोपलैंड प्रोजेक्ट उनका चला जाए, पर कोपलैंड प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया, और जो गिल एमिलियो थे टर्न टू नेक्स्ट कंप्यूटर एंड नेक्स्ट स्टेप प्लेटफॉर्म बिकेम द फाउंडेशन ऑफ द मैक ऑपरेटिंग सिस्टम 10। और बाद में जब गिल एमिलियो ने नेक्स्ट कंप्यूटर की तरफ ध्यान दिया, गिल एमिलियो जो थे ही इज वन ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड ऑफ द टेक स्टार्टअप IntelliCloud, he was the contributor to the report An American Imperative in 1993 and author of the books of Profit from Experience. ऐसे किताब के वो बेस्ट सेलिंग किताब के लेखक भी रहे हैं। इन्होंने गिल एमिलियो ने फिर नेक्स्ट कंप्यूटर को एक नए आयाम पर पहुंचाने का काम किया, साथ में एप्पल एज एडवाइजर, फिर एप्पल कंपनी को उन्होंने ज्वाइन किया एंड टुक कंट्रोल ऑफ द कंपनी एज ए इंटरिम सीईओ। फिर एप्पल कंपनी को इस दौर में जॉब्स ने सीईओ के तौर पर भी ज्वाइन कर लिया था, फिर से वापस आ गए। जॉब्स ब्रॉट एप्पल फ्रॉम नियर बैंक्रप्सी टू प्रॉफिटेबिलिटी बाय 1998। जिस कंपनी को उभारने का काम स्टीव जॉब्स ने किया था, जिस कंपनी से वो बाहर गए थे, फिर से उसको ज्वाइन किया एज ए इंटरिम सीईओ, और जो दिवालिया होने के कगार पर थी उसको एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी फिर से बना दिया। कितने सारे चढ़ाव उतार इनकी जिंदगी में आए हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। एफर एज ए स्टिकलर ऑफ क्वालिटी, जॉब्स वंस फेमस कोटेड, क्वालिटी के बारे में उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वो कहते हैं कि बी अ यार्ड स्टिक, एक मेजरमेंट, एक गेज हमने बनना चाहिए ऑफ क्वालिटी, हमने क्वालिटी का एक मेजरमेंट बनना चाहिए, सिंबल बनना चाहिए। सम पीपल आरंट यूज टू एन एनवायरमेंट वेयर एक्सीलेंस इज एक्सपेक्टेड, बहुत सारे लोग इस प्रकार के माहौल के आदि नहीं होते जहां सिर्फ क्वालिटी को ध्यान में रखा जाता है। एप्पल सीईओ टिम कुक नोटेड, एप्पल के जो बाद में सीईओ बने टिम कुक, वो नोट करते इस बात को, मोर सो देन एनी पर्सन आई एवर मीट इन माय लाइफ, बहुत सारे लोगों से मैं अपनी जिंदगी में मिला, पर जिनको मैं मिला वो स्टीव जॉब्स, एक हैड द एबिलिटी टू चेंज हिज माइंड, स्टीव में ये शक्ति थी, वो किसी के भी मन को बदल सकते थे। मच मोर सो देन एनीवन आई नेवर एवर मेट, मे बी द मोस्ट अंडर एप्रिशिएटेड थिंग अबाउट स्टीव वाज दैट ही हैड द करेज टू चेंज हिज माइंड, अपने दिमाग को बदलना, अपने निश्चय को बदलना, परिस्थिति के अनुरूप ढालना, और फिर से पूरी तरह से नेस्तनाबूत होने के बाद में फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाना, ये हुनर सिर्फ स्टीव जॉब को ही हासिल था। शायद बहुत कम लोग दुनिया में ऐसे होंगे कि जिन्होंने इतने चढ़ाव उतार अपनी जिंदगी में देखे हैं।
He listed as either primary inventor or a co-inventor in 346 United States patent or a patent applications related to range of technologies from actual computer to portable devices to the user interface, speakers, keyboards, power adapters, staircases, clamps, sleeves, lanyards and packages. ऐसे बहुत सारे इन्वेंशन जो आज भी अमेरिका में तकरीबन 346 जो पेटेंट अगर गिने जाए तो इसमें बहुत सारे पेटेंट स्टीव जॉब्स और वॉज़नविक के नाम पर है. एंड जॉब्स कंट्रीब्यूशन टू मोस्ट ऑफ हिज पेटेंट वेयर टू लुक एंड फील ऑन द प्रोडक्ट. जब भी इन पेटेंट्स को आप देखेंगे उनको देखने के बाद में महसूस होता है कि स्टीव जॉब इन सारी प्रोडक्ट्स के क्रिएशन में अपने आप को फील करते थे, महसूस करते थे. हिज इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, जो बहुत सारे स्टूडेंट इस कहानी को सुनने के बाद, इस हकीकत को सुनने के बाद ये महसूस करेंगे कि स्टीव जॉब को वो नहीं पहचानते, पर आपके सामने जो लैपटॉप होगा, जो स्मार्टफोन आपके हाथ में होगा, जो अलग अलग डिवाइसेस आप यूज़ करते हैं, वो सारी स्टीव जॉब की देन है, बहुत करीब है आपकी स्टीव जॉब्स. His industrial design chief Jonathan Ive had his name along with him for 200 of the patents. और उनके जो साथीदार थे, जोड़ी उनके साथ में जो काम करते थे Jonathan Ive, वो भी एक अहम किरदार रहे हैं 200 अलग अलग patents में उनके साथ में. Most of these are design patents and as opposed by the utility patents. इसमें से बहुत सारे जो है, for example, Jobs listed as a primary inventor in patents are both original. Lamp style, IMAX, lamp के style में जो IMAX उन्होंने बनाया, इस प्रकार के नए नए invention, ये utility patents थे. He has 43 issued US patents on innovations. ऐसे बहुत सारे domestic patents भी उन्होंने बनाए. And the patent on the Mac operating system 10 dock user interface with magnificent feature was issued the day before he died. और आपको सुनकर और ताज्जुब लगेगा कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो 10 था डॉक, वो उनकी मृत्यु के एक दिन पहले ही इशू कर दिया गया था. इसका अंदाजा आप लगाइए कि जीवन के आखिरी क्षण तक स्टीव जॉब्स किसी न किसी तरीके से इन्वेंशन से जुड़े रहे. ऑल्दो जॉब्स हैड लिटिल इन्वॉल्वमेंट इन द इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल साइड ऑफ द ओरिजिनल एप्पल कंप्यूटर्स, Job later used his CEO position to directly involve himself with the product design. किसी न किसी तरीके से वो ऐसे हर एक प्रोडक्ट के साथ जुड़े रहे और अपना योगदान स्टीव जॉब्स देते रहे. Even while terminally ill in the hospital, किसी कारण के वजह से उनकी तबीयत दिनों दिन खराब होती जा रही थी. Even while in terminally ill in the hospital, Jobs sketches new devices that would hold the iPad in the hospital bed. Hospital में रहते रहते स्टीव जॉब्स ऐसे iPad के अलग अलग designs भी बनाते रहते. Cancer से जब से वो ग्रसित होने लगे, उनका liver transplant भी बाद में होता है, पर hospital में रहने के बाद, अपनी सेहत गंवाने के बाद, मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंचने के बावजूद भी वो हमेशा अपने प्रोडक्ट्स के बारे में और नए नए इन्वेंशन के बारे में सोचते रहे. He also despised the oxygen monitor on his finger and suggested ways to revise the design for simplicity. कई बार तो हॉस्पिटल में रह के ऑक्सीजन मॉनिटर भी उन्होंने वहां पर ऑक्सीजन मॉनिटर ऑन हिज फिंगर एंड सजेस्टेड वेज टू रिवाइज द डिजाइन ऑफ सिंप्लिसिटी. ऑक्सीजन मॉनिटर को देखने के बाद में भी उन्होंने नए सजेशंस देना वहां पर जारी रखा. एंड इन 2003 Jobs was diagnosed with the neuroendocrine tumor. 2003 साल उनके जिंदगी का एक बुरा दौर लेकर आया और जॉब्स को फिर neuroendocrine एक ट्यूमर पैनक्रियास में डिटेक्ट किया गया. एंड दो इट वॉज इनिशियली ट्रीटेड, शुरुआती दौर में इस neuroendocrine ट्यूमर का ट्रीटमेंट हुआ पैनक्रियास में, पर ही रिपोर्टेड द हार्मोन इम्बैलेंस. बाद में डॉक्टर्स लोगों ने हार्मोनल इम्बैलेंस डिटेक्ट किया एंड अंडरवेंट लीवर ट्रांसप्लांट, और फिर 2009 में लीवर ही ट्रांसप्लांट करना पड़ा. दिन ब दिन तबीयत उनकी डिटेरिएट होती गई, खराब होती गई. ऑन मेडिकल लीव फॉर द मोस्ट ऑफ 2011, जॉब्स रिजाइंड इन ऑगस्ट दैट ईयर. 2011 के चलते चलते अपनी तबीयत को गिरते देखकर 2011 में उन्होंने
एप्पल के सीईओ के रूप में रिजाइन कर दिया था एंड इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ द बोर्ड. ही डाइड ऑफ अ रेस्पिरेटरी अरेस्ट रिलेटेड टू हिज मेटास्टिक ट्यूमर ऑन 5 अक्टूबर 2011. 2011 में 5 अक्टूबर को जिंदगी की जंग तो हार गए. बहुत संघर्ष जिंदगी से किया पर मौत से वो जीत नहीं पाए. उम्र के 56वें साल में स्टीव जॉब्स ने 5 अक्टूबर को कैंसर के चलते फिर अंतिम सांस ली. पर स्टीव जॉब जैसे लोग मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं. उन्होंने जिस बुलंदी को हासिल किया है उस बुलंदी पर पहुंचना आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल काम है. और स्टीव जॉब्स ने जिस प्रकार से इस बुलंदी को हासिल किया है, इतना ही कहा जा सकता है कि नजर नजर से गुजरना कमाल होता है. हर नजर से गुजरना कमाल होता है. बुलंदी पर ठहरना कोई कमाल नहीं, बुलंदी पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदी पर ठहरना भी कमाल होता है. स्टीव जॉब्स ने न सिर्फ बुलंदी पर पहुंचना सिखाया बल्कि बुलंदी पर ठहरना भी सिखाया. ऐसे महान व्यक्तित्व को हमारी तरफ से सलाम. उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अपनी पर्सनल जिंदगी के लिए भी प्रेरित करता रहेगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.